मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, लगभग ऐसे 11 किसान भाई और बहनों ने अपनी बात यहां पर रखी थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो हैं, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितना ज्ञान आपको है और जिस धारा प्रवाह आप अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती है कि आपको उस फील्ड की व्यवहारिक जानकारी भी है। स्वाभाविक रूप से शासन सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं उनको व्यवहारिक कम, सैद्धांतिक जानकारी ज्यादा होती है, लेकिन जो जमीन पर है उसका व्यवहारिक जानकारी ज्यादा होगी। और व्यवहारिक जानकारी इसलिए है कि गन्ना किसान की समस्याएं क्या थी, कैसे गन्ना माफिया हावी होकर के ऐन वक्त पर, जो बात यहां पर श्रीमती ममतेज सिंह जी बता रही थी कि कैसे अपने पूज्य पिता के साथ जाती थी, गन्ना लेकर के गए और बोगी वहां जैसे पहुंचा उसके बाद वहां बता दिया कि अब तो अभी तुम्हारी पर्ची तो हम भेज चुके हैं गांव, और पहले पर्ची लेकर के आओ। आज तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तो तकनीक के साथ आपको जोड़ करके एक व्यवस्था बना दी गई कि पर्ची आपके पास हो ना हो लेकिन आपके पास स्मार्टफोन तो है, और आपके पास नहीं तो उनके पास तो है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसको बोलो कि भाई अपना स्मार्टफोन निकालो, चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। यानी सारी समस्या का समाधान। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाई और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दिशा में वह कार्यक्रम आपको दिया गया और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।